क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, इफ द फोर्थ टेंथ एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर एक्स वाई एंड जेड, फोर्थ टर्म तो एक्स है, टेंथ टर्म वाई है एंड 16th जो टर्म है वो जेड है, प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। देखिए अगर कोई भी तीन टर्म जीपी में होते हैं ना, जैसे यहां पे हमसे कहा गया एक्स वाई जेड, ये हमें प्रूव करना है। अगर सपोज कीजिए अगर ये तीनों टर्म हमारे जीपी में होते तब पता क्या होता, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो y अपॉन x, मतलब y के अपॉन में x रख दिया तो हमारा कॉमन रेशियो निकल आया, ठीक है ना। वो हमारा थर्ड टर्म के अपॉन में अगर सेकंड टर्म रखेंगे ना उस वाले रेशियो के इक्वल होना चाहिए, तो वो टर्म क्या हो जाएंगे तीनों जीपी में हो जाएंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हमारी बन जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई जेड हमारे जीपी में हो जाएंगे, ठीक। देखिए अगर मैंने ये मान लिया कि किसी भी जीपी में हमारा पहला टर्म ए वन, दूसरा टर्म ए टू और तीसरा ए थ्री और चौथा टर्म ए फोर होता ना, तो पहले वाले टर्म को हम लिखते ए, दूसरे वाले टर्म को लिखते ए आर, तीसरे वाले को लिखते ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म को लिखते ए आर की पावर थ्री। तो यहां अगर फोर है फोर्थ टर्म में तो पावर थ्री होती है आर की। इसी तरह से देखिए अगर मैं ए फोर तो हमारा ये हो गया, टेंथ टर्म निकालता हूं तो ए टेन हमारा कितना हो जाएगा, ए आर की पावर नाइन, पावर एक कम समझिए आप आर के, है ना। और इसी तरह से ए सिक्सटीन निकालना है मुझे, ठीक। तो 16 कितना हो जाएगा, आर की पावर एक कम कर दीजिए 16 से, तो कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। तो ये हमें गिवन है, पहले तो जो गिवन है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए फोर्थ टर्म दे रखा है एक्स, तो मैंने लिखा ए फोर इक्वल टू एक्स, और इस ए फोर को मैं लिखूंगा ए आर की पावर थ्री इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर वन, ठीक। दूसरा कहा गया टेंथ टर्म हमारा वाई है, तो ए टेन इक्वल टू वाई, ए टेन को मैं लिखूंगा क्या ए आर की पावर नाइन, ये हो जाएगा हमारा वाई, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर टू। इसके बाद कहा गया था ए सिक्सटीन, सिक्सटीन टर्म दिया था जेड, तो क्या हो जाएगा ये ए आर की पावर फिफ्टीन और इक्वल टू में कितना आ जाएगा जेड, और ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक। अब देखिए मैं ना इक्वेशन टू डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन वन से, इक्वेशन टू को डिवाइड किया मैंने इक्वेशन वन से, तो ये जगह ए आर की पावर नाइन लेफ्ट में था, तो लेफ्ट में क्या है इधर ए आर की पावर थ्री इक्वल टू, यहां वाई है अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, ए से तो ये हट जाएगा, ये पावर थ्री थी और ये पावर ऊपर नाइन है, ऊपर जाके थ्री माइनस हो जाएंगी पावर, तो कितनी बचेंगी सिर्फ आर की पावर सिक्स बचेंगे, नाइन में से थ्री माइनस करके सिक्स बच गया, यहां बचा वाई अपॉन एक्स, मैंने इक्वेशन नंबर फोर मान लिया इसे, ठीक। अब मैं थर्ड वाली इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, तो लिख रहे इक्वेशन थ्री डिवाइड बाय इक्वेशन टू, तो ये हो जाएगा भैया ए आर की पावर फिफ्टीन अपॉन ए आर की पावर नाइन इक्वल टू जेड अपॉन वाई, राइट हैंड साइड में जेड आर अपॉन वाई हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, देखिए ये जो नाइन है ना ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएंगी, तो फिफ्टीन में से नाइन माइनस कर देंगे, आर की पावर कितनी बचेगी सिर्फ सिक्स, और ये हो जाएगा जेड अपॉन वाई, ये हो गया फाइव, ठीक है ना। ये भी आर की पावर सिक्स है, ये भी आर की पावर सिक्स है, तो इसका मतलब ये अगर टर्म दोनों बराबर है तो ये वाले दोनों टर्म भी बराबर होंगे, ठीक है ना। लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, भैया इक्वेशन फोर एंड फाइव से ये वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जेड अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने अभी यही बताया था कि देखिए ये सेकेंड टर्म है और अपॉन में फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म है और अपॉन में सेकेंड टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका मतलब ये हुआ एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। अगर हमें किसी तीन टर्म को जीपी में शो करना होता ना तो हमें ये शो करना है कि भैया सेकेंड टर्म के अपॉन में फर्स्ट टर्म इक्वल आना चाहिए थर्ड टर्म के अपॉन में सेकेंड टर्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा।